हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज एक टीवी बनाएंगे और टीवी आपके सामने हम चालू करके रखे हुए हैं, आप स्क्रीन देख लीजिए। इस टीवी में जो फॉल्ट है वह सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इस टीवी में जो खराबी है वह इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं कर रहा है अच्छे ढंग से। दोनों साइड से इसका चौड़ाई कम हो गया, देख लीजिए। ये चौड़ाई जो है दोस्तों कम है, नीचे से भी थोड़ा सा कम है। तो ऊपर और नीचे दोस्तों यह फुल स्क्रीन आ रहा है, लेकिन बाएं और दाएं से हमारा फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम है वह योक कॉइल से आया है। तो टीवी ही ऐसा एक सेट है जो दोस्तों स्क्रीन देखने पर समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहां से आया है। तो किट में हमारा किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो भी प्रॉब्लम निकल के आया है वह युक क्वाइल में आपको मिलेगा। युक क्वाइल इसका काम नहीं कर रहा है अच्छे ढंग से। चलिए आपको चेक करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि इस किस्म का फॉल्ट हम अधिकतर बना चुके हैं दोस्तों, और एक वीडियो भी इसका हम पहले दे चुके हैं। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर में जो आई बटन है उस पर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप जाकर वहां से वह वीडियो देख सकते हैं। और इस फॉल्ट को भी हम आपके सामने बना कर दिखाते हैं कि कैसे इसको रिपेयर करते हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक आप स्थिर से देखिए, तभी आप संपूर्ण रूप से समझिएगा। तो सबसे पहले हम टीवी को खोलेंगे और टीवी के पीछे चलेंगे और आपको हम डायरेक्ट हम दोस्तों एक क्वाइल चेक करेंगे और एक क्वाइल चेक करके आपको दिखा देंगे कि यूक क्वाइल में दोस्तों इसका प्रॉब्लम है। ठीक है, किट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो युक क्वाइल रिपेयर होने लायक होगा तो रिपेयर करेंगे, अन्यथा दोस्तों युक क्वाइल नया लगाएंगे। दोस्तों, इसका पावर कट हो गया है, टीवी का हम पावर कट कर दिए हैं। अब चलिए दोस्तों हम पीछे चलते हैं, टीवी को खोल के देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम टीवी को खोल चुके हैं और इसका जो युक क्वाइल है वह देखिए यहाँ पर लगा हुआ है पिक्चर ट्यूब के ऊपर, और इसमें दो कनेक्शन होता है और एक कनेक्शन में दो तार होते हैं। तो इसमें दोस्तों वर्टिकल सेक्शन और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कनेक्शन होता है। तो वर्टिकल सेक्शन का काम है दोस्तों पिक्चर को ऊपर से नीचे की ओर फैलाना, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का काम है पिक्चर को बाएं से दाएं की ओर फैलाना। ठीक है, तो हमारा दोस्तों ऊपर से नीचे फुल स्क्रीन आ रहा था, बाएं और दाएं से कमी है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में ही जो कनेक्शन हुआ है युक क्वाइल का, उसी को दोस्तों चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये युक क्वाइल का कनेक्शन है यहाँ से, और यह जो आप लाल और ब्लू तार जो आप देख रहे हैं यह हॉरिजॉन्टल सेक्शन का कनेक्शन है, और यह जो व्हाइट का और ब्लैक जो तार आप देख रहे हैं यह दोस्तों वर्टिकल सेक्शन का कनेक्शन है। तो वर्टिकल सेक्शन को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, वर्टिकल सेक्शन हमारा सही है, हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन में खराबी है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का हम एक तार ओपन करते हैं और इसका युक क्वाइल का कनेक्शन हम काट के निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हम तार कनेक्शन हटा दिए, इसमें युक क्वाइल का दो तार होगा, दो तार यहाँ पर होगा। तो इधर वाला छोड़ देते हैं, इधर वाला दोनों तार को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तार हम निकाल दिए, एक तार अभी भी इसमें इसका कनेक्शन है, चलिए वो भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका कनेक्शन दोनों का हम युक क्वाइल का कनेक्शन निकाल दिए हैं। और दोस्तों, यह अल्मोनिया तार है तो इसका दोस्तों सोल्डिंग छुड़ाने में कनेक्शन जो है टूट गया है। तो सबसे पहले हम इसका निकिल छुड़ा लेते हैं, निकिल हटाएंगे तब दोस्तों हमको इसका अच्छे ढंग से हम चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, इस तार का हम निकिल हटा लिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम चेक करेंगे अच्छी तरह, और इस दोनों जो तार है दोस्तों इसका एक छोर यहाँ पर है, इसमें दो कनेक्शन लगा हुआ है। देखिए यहाँ इसका जो तार है यहाँ पर दोस्तों इसका कनेक्शन लगा हुआ है। तो एक प्रोड को हम यहाँ रखेंगे और मीटर को दोस्तों आप देखिए, जब सही होगा तो कांटा हमारा शो करेगा मीटर का। ये देखिए दोस्तों, इसमें मीटर का प्रोड शो कर रहा है, यानी यह कनेक्शन जो है क्वाइल का सही है। एक और कनेक्शन है, इसको दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, यही कनेक्शन फेल है, और जब यह इसमें दोस्तों मीटर शो करेगा तभी हमारा फुल स्क्रीन पिक्चर आएगा। हमारा प्रॉब्लम जो है दोस्तों युक क्वाइल में है। ठीक है, किट में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यह प्रॉब्लम युक क्वाइल से आता है, तो युक क्वाइल से है। एक कनेक्शन देखिए दोस्तों इसका सही है, दूसरा हमारा खराब है। तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकालते हैं युक क्वाइल को, और देखते हैं कि यह रिपेयर होने लायक है कि नहीं है, अन्यथा दोस्तों हमको युक क्वाइल नया लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका पिक्चर ट्यूब हटा लेते हैं बेस, और इसका यह खोल के बाहर निकालेंगे और युक क्वाइल बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों,
हम ही क्वाइल को खोल दिए हैं। देखिए यहाँ पर दो कनेक्शन, इसमें हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है, इसमें कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। और इधर से भी दोस्तों देखिए इसमें दो कनेक्शन, दो तार यहाँ पर लगे हुए हैं ये क्वाइल में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है तो इसी को क्वाइल को हम चेक करेंगे, यह क्वाइल है कहाँ। तो देखिए दोस्तों ये अंदर में गया हुआ है और इसका तार पकड़ कर हम इसका क्वाइल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यह रिपेयर होगा कि नहीं। अगर रिपेयर होगा तो आपके सामने करके हम दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये युग क्वाइल हमका कनेक्शन फॉल्ट मिल गया है। ये देखिए यहाँ से यह तार हिल रहा है और यह दोस्तों उजला तूतिया लग कर और इसका जो कनेक्शन है टूट गया है। देखिए यही दोस्तों इसका टूटा हुआ है, उजला उजला यहाँ तक ले दोस्तों यह तार खराब है। देखिए दोस्तों इसमें उजला उजला तूतिया लगा हुआ है और यह तार दोस्तों खराब हो चुका है। तो इसको दोस्तों हम निकल हटा कर और दोस्तों डायरेक्ट कनेक्शन कर देंगे, एक तार जोड़ देंगे। ये तो दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन का ये क्वाइल है, कनेक्शन है। अगर वर्टिकल सेक्शन में दोस्तों खराबी आए तो आप ऐसे ही दोस्तों इसका रिपेयर कर सकते हैं। अगर इधर ना मिले तो कभी कदाल दोस्तों यहाँ पर भी इस साइड में दोस्तों प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों करना यह है कि देखिए यहाँ पर यह पिन लगा हुआ है, इस पिन को निकाल लीजिएगा, इधर भी है और इधर भी। इस पिन को जब निकाल लीजिएगा तो यह दोस्तों ये एक साइड का यह बाहर निकल जाएगा आपका। आपको जब बाहर निकल जाएगा तो बाहर निकल कर क्वाइल खोल कर और देख सकते हैं कि खराबी आपका कहाँ है। अगर बनने लायक है तो आप रिपेयर कर लीजिए और फिर से दोस्तों इसका क्वाइल बना दीजिए और इसको दोस्तों हम लगा देंगे टीवी पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यूटी चेक करके फिर दिखाते हैं कि हमारा ये क्वाइल सही हुआ कि नहीं। चलिए दोस्तों आप कंटिन्यूटी देख लीजिए, हमारा ये क्वाइल सही हो गया है। एक प्रोड को हम यहाँ रखेंगे, दूसरा प्रोड से देखिए दोस्तों इस पर तो कंटिन्यूटी पहले से बता रहा था, यह तो दोस्तों सही था, हमारा प्रॉब्लम इसमें था। तो देखिए दोस्तों इसमें भी कंटिन्यूटी आ गया है, ठीक है। यह दोस्तों हमारा ये क्वाइल सही हो गया है। इसका कनेक्शन देखिए दोस्तों हम कैसे किए हैं। ये देखिए दोस्तों इसका तांबा का तांबा निकल है, लेकिन दोस्तों इसमें अंदर अल्मुनिया है। तो देखिए दोस्तों इसको हम कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसको दोस्तों हम इसमें स्लेविंग डाल देंगे और इसको दोस्तों ऐसे ही बैठा देंगे। चलिए आपको बैठा के भी दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम अच्छी तरह बैठा दिए हैं। एकाध दो क्वाइल इसका छोटा हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोस्तों हमारा हो चुका है। अब इसका दोस्तों हम कनेक्शन कर देते हैं और कनेक्शन करने के बाद दोस्तों इसको पिक्चर ट्यूब के ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर हम फिक्स सब जैसे खोले थे वैसे दोस्तों इसको बैठाते हैं और उसके बाद दोस्तों आपको टीवी हम स्टार्ट करके दिखाते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दोस्तों हम सब कुछ सेट कर और टीवी स्टार्ट कर दिए हैं और जो प्रॉब्लम था बाएं और दाएं जो पिक्चर हमारा छोटा आ रहा था वह दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सही हो गया है। चलिए आप स्क्रीन देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों इसका स्क्रीन, इसका दोस्तों बाएं और दाएं से पिक्चर दोस्तों एकदम ठीक हो गया है। कैमरा में दोस्तों इसका जो लाइट है वह झिकझिक पता नहीं क्यों झिकझिक करता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों यह टीवी बिल्कुल सही हो गया है, केवल ऊपर और नीचे से दोस्तों एक एक इंची छोटा आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम सर्विस मोड ओपन करने के बाद दोस्तों इसको मिलाएंगे। तो सर्विस मोड ओपन करने के लिए दोस्तों हमको टीवी के रिमोट चाहिए। तो कस्टमर हमको टीवी का रिमोट नहीं दिया है, हम अपने रिमोट से इसको करके देखते हैं होता है कि नहीं, रिमोट इसमें लगता है कि नहीं। और इसमें दोस्तों एक चीज आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसका जो सिस्टम आईसी है वह दोस्तों 11105 है और V3383 यही दोस्तों इसका अलॉट नंबर है। आप सिस्टम आईसी को दोस्तों आपको दिखा देते हैं, यही दोस्तों इसका सिस्टम आईसी है। देखिए 11105 PS V3383, ठीक है। और दोस्तों इसका ESD है 1010A, जो इसमें ESD लगा हुआ है वह दोस्तों यहाँ पर 1010A है, ठीक है। और इसका जो आप देख ही रहे हैं पावर सप्लाई, ट्रांजिस्टाइज पावर सप्लाई है, तो इसमें 1802 4460 ऐसे ही दोस्तों इसमें ट्रांजिस्टर लगते हैं, अनेकों ट्रांजिस्टर दोस्तों इसमें पावर सप्लाई में यूज होता है। और इसका दोस्तों साउंड सेक्शन का जो IC है यहाँ पर, यह दोस्तों CV203 है, ठीक है। तो दोस्तों यह TV पूरी तरह सही हो गया है, केवल दोस्तों इसका सर्विस मोड ओपन करके हमको मिलाना है। तो सर्विस मोड ओपन करने के लिए दोस्तों आपको पहले भी बता चुके हैं कई एक वीडियो में
तो दोस्तों जब सर्विस मोड हम कई एक वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो इस वीडियो में आपको हम सर्विस मोड ओपन करने का विधि आपको नहीं बताएंगे। जो मेन फॉल्ट था वो हम बना के आपको दिखा दिए और चला के भी दिखा दिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। हम आपको कई एक वीडियो सर्विस मोड ओपन करने का दे चुके हैं, तो एक वीडियो एक फॉल्ट के लिए हम कई एक वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।